हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूस घोष। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि कब्ज क्या लक्षण होते हैं, कैसे होती है, क्या क्या वजहें हैं और क्या इसका सोल्यूशन है, मतलब कि इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में करेंगे खुल के बात, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, हमारे देश का युवा आजकल कब्ज की चपेट में बहुत ही ज्यादा आता जा रहा है। अब असल में कब्ज के लक्षण होते क्या हैं कि किसी इंसान को कब्ज वगैरह हो गई है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई भी इंसान सुबह उठ करके जैसे ही फ्रेश होने जाता है तो वो सही ढंग से फ्रेश हो नहीं पाता, मतलब कि मल त्यागने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई कई बार होता क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह लगाना पड़ता है, कई बार ये 2 से 3 बार सुबह सुबह ही जाना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में बंदों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं कब्ज हो चुकी है। तो अच्छा, अब कब्ज वगैरह होती किस कारण से? तो दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत ही अटपटा हो गया, क्योंकि आजकल का खान पान जैसे मैदे से बना हुआ सामान ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, मोमोस वगैरह हो गया, इस टाइप की चीजें हम लोग ज्यादा खाते हैं। तो इनकी वजह से होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर फाइबर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज वगैरह हो जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे कारण रहते हैं, जैसे कि पानी की मात्रा काफी ज्यादा कम कर देना। जैसे कि अब सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में लोग बाग पानी बहुत ही ज्यादा कम पीते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं। या फिर काफी बार लोग बाग बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेट नाइट तक जागते रहना, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाता है। बॉडी की ज्यादा एक्टिविटी ना करना, मतलब जिन लोगों का बैठने वाला काम ज्यादा होता है उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को एक कब्ज वगैरह हो जाती है तो इसका आखिर इलाज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कब्ज वगैरह हो गई है तो इसके काफी सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि आप लोग घर में कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें इसके बारे में। अगर आप लोग वो नहीं कर सकते तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने खाने पीने में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा करनी है। फाइबर्स से मतलब ये होता है, जैसे कि आप सलाद की मात्रा बढ़ा दो खाने पीने में, सलाद में गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, शलगम, चुकंदर वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में फाइबर्स की कमी पूरी हो जाती है। और यार, ध्यान देने वाली बात ये है के बताने को तो मैं बता देता हूं, बट सलाद की बात जहां पे भी आती है, लगभग 60% ऐसे लोग होते हैं जो कि सलाद का यूज खाने पीने में करते ही नहीं है। होटल वगैरह पे खा लिया तो वहां पे बात अलग है, वहां पे सलाद वगैरह मिल जाता है, बट घर की बात अगर करें तो सलाद का नामो निशान तक नहीं होता 60% लोगों के खाने पीने में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने कच्ची सब्जियों को खाना बंद कर दिया है, सलाद वगैरह का सेवन नहीं करते, जिसकी वजह से फाइबर हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता। अब अच्छा, अगर आप लोग ये 2 स्टेप कर रहे हो, फाइबर्स वगैरह भी ले रहे हो, पानी वगैरह ले रहे हो, तो इससे आपकी कब्ज वगैरह बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। और अगर इसके अलावा भी आप लोगों को काफी सारे ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि जो आंवले का चूर्ण होता है उसे आप सुबह सुबह उठो, 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ में ले लो। इस चीज से भी आप लोगों को कब्ज से काफी ज्यादा राहत मिल जाती है। उसके अलावा जैसे अलसी वगैरह हो गया, अलसी के बीज वगैरह, उनका सेवन करना, उससे भी आप लोगों को कब्ज वगैरह में काफी अच्छे से राहत मिल जाती है। मुनक्के से भी आप लोग इस चीज का इलाज कर सकते हो। रात को मुनक्के को पानी में भिगा करके रख दो, सुबह उठ के उसके बीज निकालो, दूध में बॉईल करके उसे पीना होता है। तो इन सारी चीजों से भी आप लोगों को कब्ज वगैरह दूर हो जाती है। अच्छा, अब कब्ज अगर किसी को हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में मान लो ये सारी चीजें ना मिले, तो दोस्तों अमरूद वगैरह का भी सेवन आप लोग कर सकते हो। अमरूद के जो बीज होते हैं वो आप लोग कभी भी नोटिस करना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो हमारे मल में वही चीज निकलती है जो कि डाइजेशन में हजम नहीं हो पाती, तो इसीलिए आप लोग अमरूद वगैरह का सेवन कर सकते हो। बट अमरूद से एक प्रॉब्लम रहती है कि जो उसके बीज होते हैं ना, उनसे पथरी वगैरह होने का डर रहता है। अच्छा, आप लोग रात के टाइम में पपीता वगैरह भी खा सकते हो, पपीते में हाई फाइबर्स होते हैं और ये कब्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनने देता। सुबह आप लोगों का पेट वगैरह अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हम लोग खाने पीने में फाइबर मिस करते हैं और पानी की कमी करते हैं। ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा नोटिस की गई हैं जिन बंदों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, या फिर वो लोग लेट नाइट तक जगते हैं और खाने पीने का उनका सही से शेड्यूल होता नहीं है। ये ऐसे कारण है जिन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, मतलब कि बहुत ज्यादा रात तक आप लोगों को जगना नहीं है,
टाइम से अपना सोना है, टाइम से खाना पीना अपना फिक्स करना है और खाने में फाइबर्स की मात्रा का ध्यान रखना। कोई भी सलाद वगैरह आप लोग ले सकते हो, इससे आप लोगों को कब्ज वगैरह की समस्या कभी नहीं होगी। और जो पानी पीने का रेशियो है वो आप लोग चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम हो, पानी वगैरह आप लोग अच्छे से पियो। और उसमें हो सके तो आप लोग नींबू वगैरह पानी भी ले सकते हो। नींबू पानी लेने से भी आपको जो ये कब्ज वगैरह की दिक्कत है इस चीज से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब था आज की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ ये बकवासबाजी आप लोगों को ठीक ठाक लगी होगी। और अगर ये बकवासबाजी ठीक ठाक लगी है तो कहते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें जरूर कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे करेंगे फिर मन की बात, बट मोदी नहीं मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।